आज के समय में व्यक्ति की लाइफ इतनी व्यस्त हो गई कि वे समय पर खाना तक नहीं खा पाते, और यदि समय पर खाना खाते हैं तब भी जो पौष्टिक आहार शरीर को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। इसी के चलते हुए आयरन की कमी हो जाती है शरीर में। इसी आयरन की पूर्ति करने के लिए आज हम बिटकोफॉल सिरप के बारे में बात करेंगे। बिटकोफॉल सिरप क्या है, इसके कंटेंट, इसके यूजेज, इसके डोजेज एवं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। आयरन की कमी के कारण व्यक्तियों में एनीमिया नाम की डिसीज हो जाती है। इस एनीमिया डिसीज से भारत में महिलाएं एवं बच्चे सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। यदि इसका सही समय पर उपचार नहीं किया गया तो इस डिसीज से जान भी जा सकती है। ये मेरे हाथ में विटकोफॉल सिरप है, ये विटकोफॉल का ब्रांड दिया गया है। ये बताया गया है ये 200 ml में आती है। यहाँ पर बताया गया है ये आयरन फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 सस्पेंशन है। इसकी कंपनी की बात करें तो ये FDC लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। चलिए इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो इसमें होता है फेरस फ्यूमारेट, फोलिक एसिड, साइनोकोवालामिन एंड विटामिन B12 होता है। तो आप आयरन की कमी की पूर्ति करने के लिए आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। ये सिरप बहुत ही यूजफुल है, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। चलिए सबसे पहले इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। आपको लग रहा है कि मुझ में आयरन की कमी है तो आप वैसे भी इसको यूज कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में आप इसको यूज कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। आप किसी तरह आपकी आपको वीकनेस लगती है तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आप कुछ समय बैठने के बाद उठते हैं और आपको आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है या चक्कर आने लगते हैं तब भी इसको यूज कर सकते हैं। घुटनों के नीचे आपका दर्द होता है, जो पिंडियां जिसको बोलते हैं उसमें दर्द होता है तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी तरह की आपको लग रहा है कि मुझे वीकनेस है तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो अडल्ट के लिए 10 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं, और 4 से 9 साल के बच्चों के लिए 2.5 ml सुबह शाम, और 9 से 14 साल के बच्चों के लिए 5-5 ml सुबह शाम इस सिरप को यूज करवा सकते हैं आप। यदि आपको लग रहा है कि मुझे आयरन की कमी है तो आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें, क्योंकि हो सकता है वे आपके लिए एक हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए एडवाइस कर सकते हैं। यदि आप में हीमोग्लोबिन की कमी है तो आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। वैसे भी बिना डॉक्टर की एडवाइस से किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।